हरियाणा में पुनाना विधानसभा से बीजेपी ने नौक्षम चौधरी को टिकट दिया है। वैसे तो ये सीट बीजेपी कभी जीत नहीं पाई है, लेकिन इस बार पार्टी को उम्मीद है कि कुछ चमत्कार होगा। नौक्षम चौधरी लंदन में पढ़ाई की कर चुकी हैं और 1 करोड़ की पैकेज छोड़कर हरियाणा के मेवात से चुनाव लड़ रही हैं। हरियाणा की सियासत में वैसे तो नौक्षम चौधरी नया नाम है, लेकिन मेवात के पुनहिया में इनकी बातों में ऐसा आकर्षण है कि बड़े बड़े सियासतदान भी सोच में पड़ गए हैं। सिर्फ 27 साल उम्र है और सियासत में तजुर्बा शून्य है, लेकिन तजुर्बे पर मत जाइएगा। कई लोग आकलन कर रहे हैं कि मेवात में नौक्षम चौधरी सबको कड़ी टक्कर देने वाली है। ये नौक्षम चौधरी के बारे में बता दें, चूंकि ये अभी अभी अपना लंदन से करीब 1 करोड़ का इनका पैकेज था, उसको छोड़ करके सीधे यहाँ चली आई और यहाँ आकर के अब ये बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ी हैं। विदेश में रह रही थी, वहीं पढ़ाई मुकम्मल करके जो मैं अपना जॉब्स अप्लाई कर रही थी, तो 85 लाख से 1 करोड़ तक की मुझे ऑफर मिल रही थी और मैं उसी के कुछ कार्यक्रम में यहाँ हिंदुस्तान आई थी। और मुझे ये, मैंने राजनीति का भी मेरा मुद्दा नहीं रहा, ये ऐसा हुआ कि जब लोगों के यहाँ हालात देखे और विकास की परिभाषा रखी जाए तो किस तरीके से उसको परिभाषा या रूपरेखा रखी जाएगी, तो यही कुछ मुद्दे रहे। और जहाँ तक जीत और हार का सवाल है, वो तो देखिए परमात्मा जानता है। इनका छोटा सा परिचय ये है कि ये दिल्ली के मिरांडा हाउस से पढ़ाई करके निकली है। मैनेजमेंट की डिग्री इन्होंने इटली से हासिल की है, लंदन से कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री है। अब आप समझ गए होंगे कि इनका कद कितना बड़ा है। मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई करने वाले नेता बीजेपी के उम्मीदवार नौक्षम चौधरी को देखकर हैरान है। ये पहली दफा है कि भाजपा पार्टी के साथ म्यों जुड़ रहे हैं, उसकी वजहें बहुत है। पहली वजह तो यह है कि इन्हें पता है कि देश के स्तर पर भी और प्रदेश के स्तर में भी, देश के स्तर में तो भाजपा पार्टी अपना वैसे भी बहुमत से सरकार बना चुकी है और प्रदेश के स्तर पर भी इनकी भाजपा पार्टी की सरकार आ रही है, तो मेओ जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, वो इस बात को आज समझ गई है कि अगर हमें अपना विकास करना है तो भाजपा पार्टी के साथ जुड़ाव होना जरूरी है। विकास के अलावा कोई बात नहीं, न जात की, न धर्म की, न गाय की, न मंदिर की, सिर्फ रोटी और रोजगार की बात। और हाँ, 1 करोड़ का पैकेज छोड़कर नौक्षम चौधरी हरियाणा के चुनावी अखाड़े में उतरी हैं। पिता जज हैं और माँ सरकारी अफसर, सबने साथ दिया तो मैदान में आ गई दिग्गजों को ललकारने। देखिए मैं यहाँ पे एक बात रखती हूँ कि अगर यहाँ से एक बेटी को नसीब भी काम करता है, अगर एक बेटी को मौका मिला कि विदेश जाके पढ़ सकती है, तो हर गांव से 20-25 क्यों नहीं पढ़ सकते। वजह यह है कि यहाँ पे जागरूकता नहीं है, लोग शिक्षित नहीं है और ये नहीं पता कि अगर आप शिक्षित हो जाएं तो आप अपना विकास और उजागर कैसे हो सकते हैं। अभी लोगों को इस बात का अंदाजा और विश्वास ही नहीं, विकास नहीं हुआ क्योंकि सरकार तो जो बनती है ग्रांट दे रही है, अब विधायकों ने उनका इस्तेमाल नहीं किया, लोगों तक नहीं पहुंचाया, वो अलग बात है। मेरे जो पहला मुद्दा ये है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अगर 75 साल के चुनावों में अगर आज तक एक इलाके में यूनिवर्सिटी नहीं है, उन्हें कॉलेज और डिग्री में फ़र्क नहीं पता, तो फिर तो ये विकास कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ एक यूनिवर्सिटी की डिमांड होनी चाहिए। मेवात की सीट पर नौक्षम चौधरी का सीधा मुकाबला कांग्रेस के मोहम्मद इलियास से है, वही मोहम्मद इलियास जिन्होंने साल 2009 में ये सीट जीती थी। मोहम्मद इलियास का कहना है कि वो नौक्षम के प्रोफाइल से प्रभावित नहीं है, लेकिन नौक्षम पीएम मोदी से बहुत प्रभावित है, पीएम मोदी की सोच को अपनी सियासत में बसा लेना चाहती है। मेवात जहां से 2014 में मोदी लहर के बाद भी बीजेपी 4 में से 1 भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार माहौल दूसरा है। नौक्षम की मेहनत को लोग देख भी रहे हैं और उनकी बातों पर सोच भी रहे हैं। एक नए मेवात के विजन ने नौक्षम चौधरी को सबसे अलग कर दिया है। सौरभ श्रीवास्तव, इंडिया टीवी, मेवात।